हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पे होंगे और सेफ होंगे। अगर सेफ रहना है इस टाइम पे तो घर पे रहिए और सेफ रहिए। चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन ऑफ द डे 15 अप्रैल 2020 का। तो देखते हैं हम आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से है और ये क्वेश्चन है व्हाट इज अकादमिक लोमोनोसोव। ऑप्शंस हैं फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय रसिया, अ रशियन डिवाइस टू स्टडी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, एन इंडियन नेवल शिप बाय रसिया और ऑप्शन डी सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट बाय रसिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय रसिया। चलिए ये जो अकादमिक लोमोनोसोव है इसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये जो अकादमिक लोमोनोसोव है ये दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये देखिए फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट ये वर्ल्ड का पहला है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इससे, ठीक है। अब आप देखिए इसके बारे में और चीज जानकारी इसकी। इट हैज बीन टोल्ड अगे अलोंग द नॉर्दर्न सी रूट फ्रॉम द आर्कटिक पोर्ट ऑफ मुरमांस्क टू चुकोटका। द नॉर्थन सी रूट कनेक्ट्स यूरोपियन रसिया विथ फार ईस्टर्न पोर्ट्स। ओके, ये जो आपने अभी इसके बारे में देखा ये जो इन्फॉर्मेशन, ये कहाँ पर है, लोकेटेड कहाँ पर? इट हैज़ बीन टोल्ड अलोंग द नॉर्थन सी रूट फ्रॉम द आर्कटिक पोर्ट ऑफ मुरमांस्क टू चुकोटका। और ये जो नॉर्थन सी रूट है ये यूरोपियन रसिया को उसके ईस्टर्न जो पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्ट करता है। तो ये आपको थोड़ा ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे हमने दी। अकादमिक लोमोनोसोव है जो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा किसको? चॉन बिलीविन माइनिंग कॉम्प्लेक्स इन चुकोटका, और साथ ही साथ वो गोल्ड माइंस को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड पावर टू ऑफशोर ऑयल रिग्स इन रसियास आर्कटिक। ओके, एंड ये जो अकादमिक लोमोनोसोव है इट विल ऑल्सो बी लिंक टू अ डीसेलिनेशन प्लांट। एंड ये जो अकादमिक लोमोनोसोव है ये बहुत ही क्रिटिकल है ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी के बारे में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SMRs। तो ये जो है स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। इससे काफ़ी लर्निंग हो सकती है कि कैसे बनाया जा सकता है और कैसे इसको फर्दर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्लोबली। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो पर कमेंट करें। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वो भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारी चैनल PendulumEdu को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही मैं आपको बता दूं हमारी वेबसाइट PendulumEdu.com पर डेली बेसिस पे हिंदी में करंट अफेयर्स और इंग्लिश में भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बैंकिंग अवेयरनेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और रोज़ एक वर्ड ऑफ द डे आता है और क्वेश्चन ऑफ द डे आता है जो कि आप वेबसाइट पर जाके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जाइए और हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू।